थाना नारकी के गांव कायथा में 45 वर्षीय पप्पू की आज सांड के रौंदने से मौत हो गई। सांड ने पप्पू को रास्ते में टक्कर मार दी थी। नारकी के गांव कायथा में रहने वाले 45 वर्षीय पप्पू घर से खेत पर काम करने जा रहा था और वहीं पीछे से सांड ने उसको अपने सींगों से प्रहार कर दिया। 2-3 बार किए इस प्रहार में पप्पू की मौके पर ही मौत हो गई, जहां परिजनों को सूचना लगी। वह आनन फानन में जिला अस्पताल लेके आए, लेकिन वहां पप्पू को डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया था। मृतक पप्पू पर 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। परिवार एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ऐसे में परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कहाँ रहते हो? क्या घटना हुई है ये? कौन गया था? पापा। फिर क्या हुआ था? जान ने मार दी। आपको कैसे पता चला? हमको खबर आई थी। किसने दी थी? किसने बताया? गांव के लोगों ने। अच्छा, इनकी लगभग उम्र क्या थी? 45। इनकी मौके पर ही परी मौत हो गई या हॉस्पिटल ले जाने के बाद? नहीं, नहीं तो क्या नाम है? ओम जी। कहाँ रहते हो? कायथा। क्या घटना हुई है? कौन गया था? पिताजी। क्या नाम है उनका? पप्पू जी। फिर क्या हुआ? सांड ने मार दी। आपको कैसे पता चला? जब खबर आई तब पता चला। अच्छा, ये जो कायथा पड़ता है किस थाने में पड़ता है? अच्छा, जो खत्म हुए इनका नाम क्या था? पप्पू जी। उम्र लगभग क्या थी उनकी? 45। आप उनके कौन हो? घरे का।